चूलनी सेवा दल द्वारा विशेष बच्चों के लिए सोलन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। यह कैंप उनके लिए लगाया जाता है जो अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की आशाएं छोड़ चुके थे, लेकिन इस कैंप में जो परिजन आ रहे हैं वह बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे अच्छे सुधार से बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि इस शिविर में जालंधर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और विशेष बच्चों के स्वास्थ्य को जांचा। यहां विशेष बच्चे सोलन, शिमला, सिरमौर, नाहन, मंडी, बिलासपुर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी आए थे। यहां उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं और परिजनों को क्या सावधानियां रखनी है इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संस्था द्वारा हर 3 माह बाद लगाए जा रहे इस कैंप में उनके बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की आशा बिल्कुल छोड़ चुके थे, लेकिन यहां आकर उन्हें बेहद फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि यह कैंप उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वरदान से कम नहीं है, इसलिए प्रभावित परिजनों को अपने बच्चों को लेकर यहां अवश्य आना चाहिए। मैं सुमन सूद हूं, सोलन से ही हूं, सपनून से। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूं कि इस कैंप से जो है बहुत फायदा हो रहा है बच्चों को। मैं खुद अपने बेटे को लेकर 4 साल से यहां आ रही हूं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, छोटे को, बड़े को, किसी को भी, तो ये लोग जो है बहुत सहायता कर रहे हैं और इनसे बहुत फायदा हो रहा है। इम्प्रूवमेंट तो धीरे धीरे हुई, पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई अब 4 साल में, काफ़ी बहुत ज़्यादा। पहले से मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उतनी हो गई है। इससे पहले हमने शिमला IGMC भी दिखाया था, PGI भी दिखाया था, और शिमला में यूरो के डॉक्टर हैं प्राइवेट, उनको भी दिखाया था। कई जगह हमने बच्चे को दिखाया था। देवपली मेरा नाम, मेरा बेटा का है पिंदर, और बहुत अच्छा है। मेरा बेटा जब फिर आया ना यहाँ से, तब पहले सोता भी नहीं था, सोना खाना सब कुछ ठीक है। काफ़ी जगह दिखाया मैंने, जैसे वहाँ से कहीं फर्क नहीं पड़ा, मैंने दवाई ऐसे ज़्यादा भी है। जब यहाँ आई तब से बहुत ज़्यादा फर्क, इतना कमज़ोर था ना बच्चा, ना खाना ढंग से खाना कुछ। अब खाना भी, अब सेहत भी ठीक है उसकी, बढ़िया सोना खाना तो देख लो। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं नाहन से आया हूँ, और मेरे बच्चे का 2-3 साल से इलाज चल रहा है। जो हम एलोपैथी की दवाई इसको दे रहे थे अब वो भी बंद हो गई है, और उस दौरान में इसको कोई सीजर वगैरह नहीं पड़ा है। हमें तो लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। डॉक्टर ने तो ये बोला था कि फिजियोथेरेपी कराओ, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेन डैमेज हुआ था। चिकित्सक अवतार सिंह मावी ने बताया कि वह पिछले 4 वर्षों से सोलन आ रहे हैं। यहाँ वह शूलनी सेवा दल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विशेष बच्चों का इलाज कर रहे हैं। इस कैंप की वजह से विशेष बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि बच्चे दूर दूर से परिजनों के साथ यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर 3 माह के बाद यह कैंप यहां संस्था द्वारा लगाया जाता है। उन्होंने उन परिजनों को आग्रह किया जो अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की आशाएं छोड़ चुके हैं और वह उनके साथ घर से नहीं निकलते हैं, उनसे आग्रह है कि वह इस शिविर का अवश्य फायदा उठाएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अवतार सिंह मावी है, हम लोग जालंधर से आए हैं, और यहाँ पे हम हर 3 महीने के बाद कैंप लगाते हैं माँ शूलनी के मंदिर में, शूलनी सेवा दल के संगठन के साथ मिलके। ये जो कैंप है ये ऐसे बच्चों के लिए होता है कैंप जो बच्चे मानसिक और शारीरिक तौर से विकास नहीं कर पा रहे किसी भी स्तर पे, तो उनके लिए कैंप लगाया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है यहाँ पे, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे इन बच्चों का इलाज हो सकता है। इसीलिए इसको कैंप का नाम हमने होप फॉर होपलेस कैंप दिया हुआ है, कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनकी और किसी भी जगह पे इलाज की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको होम्योपैथी में हम इलाज कर सकते हैं। उनकी एक उम्मीद बनती है कि भाई इन बीमारियों का, इन चीज़ों का इलाज हो सकता है, जिसका सारी दुनिया में नाद कर दी जाती है कि इसका कोई इलाज है नहीं। कवरेज हम अगर बोले तो 80-90% पेशेंट्स में किसी ना किसी लेवल पे रिकवरी चल ही रही है। खास करके उन्हीं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ जो शर्म की वजह से या एक नाउम्मीदी की वजह से कि भाई इस चीज़ का कहीं इलाज नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने बताया होता है इसका इलाज है नहीं, आप घर पर रखो बच्चे को, ठीक है ना। तो हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इन बच्चों का बहुत अच्छा इलाज होता है। अभी एक हमारे पास शायद अभी आएगा एक केस, वो 23 साल का लड़का है जो जिसको ऐसे ही बांध के रखा जाता था,
अराउंड 4 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक होके खुद नौकरी कर रहा है। वो खुद जाता है साइकिल पे अपना नौकरी करने के लिए और बिल्कुल ठीक है, बात सही से करता है, अपना काम सही से कर रहा है।